सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार, कक्षा आठवीं का अध्यापक। आज दिनांक 6 अप्रैल 2020, दिन सोमवार। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बोली तथा उसका वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आज हम दो मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे या अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला बोली की परिभाषा व दूसरा इसका वर्गीकरण है। तो बोली किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष में बोली जाने वाली भाषा होती है। इसके अंतर्गत कई उदाहरण हैं, जैसे कि खड़ी बोली जो पहले एक बोली थी, आज भी बोली जाती है, और कई क्षेत्रों में इसका जो है आजकल व्यापक विस्तार होने के कारण जो है इसको एक भाषा का रूप दिया जा चुका है। जैसे कि दिल्ली में, मेरठ में, हरियाणा, आगरा में देखे या वृंदावन में देखे, तो पहले इस तरीके से एक खड़ी बोली जो है एक बोली के रूप में प्रयोग की जाती थी, लेकिन रचनाकारों ने एक इसको एक साहित्यिक रूप देते हुए इसका जो क्षेत्र है आज व्यापक होने के बाद इसको एक तरीके से भाषा में बदल दिया है। इसी तरीके से बिहार की ओर अगर बात करें तो बिहार में जो है मैथिली भाषा जो है एक बोली है, लेकिन मैथिली का जो चलन है आज साहित्यकारों ने बड़े ही व्यापक ढंग से किया है, इसीलिए आज यह एक भाषा बन गई है। अगर हम बात करें इसके वर्गीकरण की, तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने ये भारत का मानचित्र बनाया है, और मानचित्र के अनुसार भारत के जो क्षेत्र हैं आप देख रहे हैं, भारत का पश्चिमी क्षेत्र, भारत का पूर्वी क्षेत्र, भारत का उत्तरी व भारत का दक्षिणी क्षेत्र। इसी तरीके से भाषा वैज्ञानिकों ने इस उपभाषाओं का वर्गीकरण किया है। इसमें पश्चिमी हिंदी यानी कि उस समय की पश्चिम क्षेत्र में बोले जाने वाली जो है एक तरह की बोली थी, क्योंकि इन उपभाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती हैं। इसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी व पहाड़ी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत में बोली जाने वाली जो बोली है इसके अंतर्गत दक्षिणी, हरियाणवी, कौरवी, इस तरह की बोलियां आती हैं। दूसरी हम बात करें पूर्वी हिंदी की, तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर इस पूर्वी हिंदी की बोलियां बोली जाती है, जैसे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी तरीके से राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान जो है भारत के मानचित्र में यहाँ पर आता है, और राजस्थान में जो है कई बोलियां बोली जाती है, जैसे कि मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, इस तरह की बोलियां यहाँ पर बोली जाती है। बात करें बिहारी भाषा की, तो बिहारी जो है यहाँ पर एक तरह की उपभाषा है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती है, जैसे कि इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, इसमें मगही, मैथिली व भोजपुरी शामिल है। अन्य पहाड़ी उपभाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारी बोलियां आती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली बोली बोली जाती है, और इस तरीके से एक इनका क्षेत्र हो गया है, और क्षेत्र में इस तरीके की बोलियां बोली जाती हैं। तो आइए हम इसका आज के बारे में जो हमने पढ़ा पूरा एक विस्तार रूप में, अब मैं आपको इसके तहत जो है कुछ गृह कार्य देना चाहूंगा, जिसमें इसी से संबंधित मैंने प्रश्न बनाए हैं, जिसमें सबसे आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न है बोली की परिभाषा आपको लिखनी है, एक तरीके की परिभाषा के साथ साथ आप कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है अपने क्षेत्र में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों को लिखें, यानी कि कहने का तात्पर्य है, मतलब यह है कि आप जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुए या पैदा हुए हैं, आपकी जड़ें जहां से हैं, आप जहां पर आपने जन्म लिया है, तो वहां पर कोई ना कोई बोली तो बोली जाती होगी। इसी तरीके से आपको एक तरीके से इस प्रश्न को अपना एक तरीके से पूरा भाप कर इसको उत्तर में बदलना है, और आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।